मेरे ऑलमोस्ट हर सेमिनार में मेरे से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता था, तो मैंने इस बार सोचा कि उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन है कि ये जो आप फ्री के सेमिनार्स करते हो, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? या इसको दूसरे तरीके से देखो, कुछ लोग तो पूछते भी नहीं थे, वो सीधा बोलते थे कि आप ये जो फ्री के सेमिनार्स कर रहे हो, इसमें ज़रूर आपका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, बताओ क्या है आपका फ़ायदा। तो मुझे नॉर्मली हंसी आ जाती थी और मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा आप बताओ आपके हिसाब से क्या होगा मेरा फ़ायदा। और ज़्यादातर लोग बोलते थे कि हो सकता है आज आप ये फ्री में सेमिनार्स कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी तरह आप भी 15-20 हज़ार रुपये चार्ज करना शुरू कर दो। फिर मैं उनको कहता हूँ कि सिर्फ आज नहीं, अगर पूरी ज़िंदगी में कभी भी मैं आपसे या आप जैसे किसी से भी, किसी एक आदमी से भी अगर एक रुपये भी मांग लूँ अपने सेमिनार की फ़ीस के नाम पे या डोनेशन के नाम पे, तो आपको पूरा हक है कि आप मेरे किसी भी सेमिनार में आ करके या कहीं भी पब्लिक में आ करके मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप महेश्वरी चोर है। और बताइए, और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो। वो कहते हैं कि नहीं, वो एक्चुअल में क्या है ना कि आजकल ज़्यादातर लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इसलिए जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं होता। फिर मैं बोलता हूँ कि विश्वास आपको किसने कहा मुझ पे विश्वास करने के लिए, आप पहले तो मुझे ये बताइए। इस पूरे सेमिनार में चीख चीख करके मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को बोल रहा था कि खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो। क्योंकि जिस दिन आपको खुद पर पूरा विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन मेरा वो सपना अपने आप पूरा हो जाएगा और जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। जैसे मैं ये बोलता हूँ तो नॉर्मली सामने से रिस्पॉन्स आता है कि क्या है जी आपका वो सपना, या क्या चाहिए आपको, क्या मिल जाएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल बताता हूँ आपको अपना सपना। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपसे हाथ जोड़ के कुछ मांगा था वही है वैसे मेरा सपना, लेकिन फिर और ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा सपना ये है कि आप मुझसे कई गुना ज़्यादा कामयाब हो जाओ, ताकि आप भी उन सब लोगों की भूख मिटा सको जिनको आपकी ज़रूरत है। और जिस दिन आप जैसे कुछ लोग अगर अपने पूरे दिल से लोगों के साथ शेयर करने निकल जाएंगे ना, तो उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में कहीं कोई भूखा नहीं रहने वाला। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि ये भी होना आसान है।